कहते हैं कि सफलता सुविधा की मोहताज नहीं होती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सासाराम के 24 वर्षीय आकाशदीप ने। सासाराम के बड्डी गांव के रहने वाले आकाशदीप का चयन आईपीएल में हुआ है। वे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलेंगे। अपने गांव की गलियों, पगडंडियों, स्कूल के मैदान तथा खेतों में क्रिकेट खेलकर आकाशदीप ने यह मुकाम हासिल किया है। 145 किलोमीटर की स्पीड से बॉल फेंकने वाले तेज गेंदबाज आकाशदीप को फिलहाल राजस्थान रॉयल्स ने 15 लाख में खरीदा है। आकाशदीप तेज गेंदबाज हैं तथा खुद के आईपीएल में चयन होने पर काफी खुश हैं। बता दें कि इस बार आईपीएल 19 सितंबर से दुबई में होने जा रहा है, जिसके लिए सोमवार को आकाशदीप अपनी टीम के साथ दुबई के लिए निकल जाएंगे। पिछले कई दिनों से वे डिहरी के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज परिसर में बने क्रिकेट कोर्ट पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगन और मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर सबका सहयोग रहा तो उन्हें और बेहतर करने का अवसर मिलेगा। अपने चयन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए आकाशदीप ने बताया कि ग्रामीण परिवेश में क्रिकेट खेलकर वह यहां तक पहुंचे हैं। अगर अपनों का साथ और आशीर्वाद रहा तो वह मुकाम को जरूर हासिल करेंगे। वह कहते हैं कि सफलता का एक ही रास्ता है, कठिन परिश्रम। इसके अलावा इसका शॉर्टकट नहीं होता। गांव में भी जब क्रिकेट खेलता था तब भी पूरी तन्मयता से खेलता था। आज भी वे प्रैक्टिस करते हैं तो अपना 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि चयनकर्ताओं ने उन्हें आईपीएल में सिलेक्ट किया है। आकाशदीप पिछले कई महीनों से डिहरी के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में बने क्रिकेट कोर्ट पर ही प्रैक्टिस करते रहे हैं। कॉलेज प्रशासन ने उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े त्रिविक्रम नारायण सिंह ने बताया कि आकाशदीप काफी होनहार है तथा इनके चयन से पूरे रोहतास जिला ही नहीं बिहार का मान सम्मान बढ़ा है। वे उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।